अयोध्या स्टार्ट हो गया है? यस सर, आप चालू कर सकते हैं। ओके, नमस्कार। मैं निशिकांत कोलगे, आप सबका इस रविवार की शाम को आयोजित पुस्तक चर्चा एक देश बारह बारह दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। यह शिरीष खरे जी की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और हम सबको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक चर्चा CSDS द्वारा आजादी के अमृत 75वां अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। तो इस आजादी के अमृत महोत्सव के समय हम देश के आदिवासियों, दलित महिलाओं, उन लोगों की क्या दशा है, और उस पर आधारित इस पुस्तक को जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए और एक महत्वपूर्ण अवसर है। और इस परिचर्चा की अध्यक्षता हमारे अभय अभय सर अभय दुबे जी करेंगे। अभय जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो हमारे बहुत प्रिय हैं और मेरे तो खासकर बहुत प्रिय हैं। वो उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया है CSDS में, और उनकी राइटिंग्स पढ़कर और उनके उन्हें टीवी पर देख देख कर हम बड़े हुए हैं और लिखना और बोलना हम सीख रहे हैं। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा और अभय जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पुस्तक चर्चा के अध्यक्षता का भार संभाले और इसको कार्यक्रम को आगे चलाए। अभय जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुवर। और निशिकांत जी जब इस तरह की बात कहते हैं कि अभय जी के लेखन और टीवी पे बोलने को देख देख कर हम लोग बड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र जो है वो कम से कम 110 वर्ष की है। हाँ, बहरहाल वो निशिकांत जी से मेरा एक विशेष संबंध है। वो CSDS में विकासशील समाज अध्ययन पीठ, जिसे अंग्रेजी में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज कहा जाता है, उसमें हमारे साथी तो थे ही, साथ में हम लोगों में व्यक्तिगत रूप से भी एक बहुत अच्छी मित्रता, जो कुछ भी कुछ वर्ष हम लोगों के साथ साथ काम करने का मौका मिला उसमें बन गई है। मैं निशिकांत जी का विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, उनकी वजह से मुझे शिरीष खरे की एक बहुत ही उम्दा रचना एक देश बारह दुनिया पढ़ने का मौका मिला। और उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार मैं इसलिए हूँ कि इस पुस्तक के ऊपर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में साझेदार होने का मुझे मौका मिला। ये तो केवल संयोग की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम का अध्यक्ष कहा जा रहा है। अध्यक्ष वगैरह कुछ नहीं है, मैं तो अध्यक्ष का मतलब होता है टाइम कीपर, और लोगों को ठीक से बुलाना। मैं तो सबकी बातों को सुनूंगा और कुछ उससे हासिल करने की कोशिश करूंगा, और बाद में अगर मेरी समझ में दो बातें आई तो वो भी मैं जरूर कहूंगा। इस कार्यक्रम में जो साथी भाग ले रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय सब लोगों को बता दूं। हालांकि सभी लोग अपनी अपनी जगह मकबूल हैं, उन्होंने जिंदगी में काफी अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं, और मेरा मानना है कि सब लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा अपनी तरफ से उनके बारे में कह दूं, ताकि जब बीच में बौद्धिक चर्चा शुरू हो तो फिर परिचय देने की वजह से उस बौद्धिक चर्चा की निरंतरता भंग ना हो और वो लगातार एक के बाद एक जारी रहे। तो सबसे पहले मैं शुभनीत कौशिक के बारे में कुछ कहूंगा। शुभनीत कौशिक से व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन बौद्धिक रूप से हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रतिमान के संपादक के तौर पर मैंने उनके कई लेख प्रतिमान में प्रकाशित किए हैं, कई बार फोन के ऊपर भी चर्चा हुई है, और मेरा मानना है कि वो हिंदी के उभरते हुए विमर्शकारों में से, समाज वैज्ञानिकों में से एक हैं। वो आजकल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य सम्मेलन पर ज्ञानोत्पादन की दृष्टि से अनुसंधान करने के बाद में आजकल शुभनीत कौशिक बलिया के सतीश चंद कॉलेज में इतिहास का अध्यापन करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक शुभनीत कौशिक जैसे लोग हैं हम लोगों के बीच में, तब तक हिंदी में विमर्शकारों का टोटा नहीं होगा। वो विमर्शकारों की नई पीढ़ी की नुमाइंदगी करते हैं, और इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। हम लोगों के साथ रणेंद्र हैं, जो कि हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार हैं। उनका उपन्यास ग्लोबल गांव की देवता, मैंने पिछले दिनों बहुत कम हिंदी साहित्य पढ़ा है, लेकिन जो कुछ पढ़ा है उनमें मेरा सौभाग्य है कि मैंने ग्लोबल गांव की देवता उपन्यास उपन्यास पढ़ने का भी मुझे मौका मिला। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं रणेंद्र जी, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो साहित्यिक रचनाशीलता है उसके मर्म में उसका मर्म विमर्शी है।
और उसका प्रमाण भी हम लोगों के सामने है जब वो पंचायती राज पर एक पुस्तक संपादित करते हैं या झारखंड पर एक चारखंडीय विश्वकोश का संपादन करते हैं। तो मेरा मानना है कि साहित्य और विमर्श इन दोनों का मणिकांचन संयोग रणेंद्र जी की रचनाशीलता में हमें दिखाई पड़ता है। आदरणीय रणेंद्र जी को का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक शिरीष जी का सवाल है, उनके बारे में तो इतना कहना ही पर्याप्त है कि शिरीष जी ऐसे पत्रकार आजकल जो बाजारवादी पत्रकारिता है उसमें मिलने दुर्लभ हैं। 1000 से ज्यादा उनकी खबरें, उनकी रिपोर्ट्स प्रकाशित हो चुकी हैं और वो सारी की सारी वंचित वर्गों के बारे में हैं, उन लोगों के बारे में हैं जो कि विकास की इस तथाकथित भीषण और भयानक जद्दोजहद से छूट गए हैं, जो कि मैं मानता हूं कि जो आजाद भारत की जायज संतान बनने में अभी तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जो पूरी तरह से नागरिक भी नहीं है, एक तरह से अर्ध नागरिक भी नहीं है, वो नागरिकता की दिशा में अपना सफर तय करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो व्यवस्था है उन्हें नागरिक बनने से लगातार रोक रही है। तो ऐसे श्रीजी को मैं अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक, जितनी जिसकी भाषा शैली इतनी अच्छी है जो कि हिंदी पत्रकारिता में आजकल दुर्लभ होती जा रही है, एक देश बारे दुनिया की पुस्तक लिखी। अब मैं शिरीष जी से अपील करता हूं कि वो अपनी पुस्तक के बारे में, अपने बारे में, अपनी दृष्टि और समझ के बारे में जो कहना चाहें वो कहें। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध होगा कि वो कोशिश करें कि 20 मिनट के अंदर अंदर उनका वक्तव्य समाप्त हो जाए ताकि बाद में कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए भी बचा रहे। शिरीष जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं CSDS का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बड़ा संस्थान है और वो एक देश 12 दुनिया जो हाशिए पर छोटे भारत की तस्वीर उस बारे में ये परिचर्चा करा रहा है। इसका जो पहल की है निशिकांत गोयल सर ने, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेशन किया प्रवीण राय ने, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अयोध्या जी ने जो तकनीकी हमें सहायता पहुँचाई उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि अभय सर हमारे साथ हैं और अभय सर को सच बात है कि सुन सुन के हम लोग बुनियादी मुद्दों पे क्या दिशा तय करनी चाहिए उससे कई बार हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम सबके प्रिय रणिल सर हैं और सुमित जी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बारे में मैं जब विचार कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक तो मैं बहुत हूँ तो 40 साल का लेकिन हूँ नया किताब लिखने के मामले, लेकिन जो मैं बातचीत कर रहा हूँ इतने बड़े लेखक विद्वान और विशेषज्ञों के साथ कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा था कि ये जो मंच है कितना लोकतांत्रिक मंच है। और ये लोकतांत्रिक मंच इस दृष्टि से सही कि वो सीरीज खरे के बारे में या उस किताब के बारे में कम बात करना चाहते हैं, वो तो एक माध्यम है, वो समझना चाहते हैं कि भाई ये जो भारत है, ये उपेक्षित जो भारत है, ये भारत कैसा है और उसमें मेरी राय और बाकी की राय, उनके अनुभव, उसको शेयर करना चाहते हैं। यानी वो जो सरोकारों की बात है, सामाजिक सरोकारों की बात है, मुख्य बात ये है। किताब एक बहाना है। तो इस तरीके से इस किताब के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा मैं देना चाहता हूँ। ये किताब जो है पिछले साल आए जुलाई में 2021 में और अभी इसके 3 संस्करण आ चुके हैं। यानी कि हिंदी में कहा जाता है कि इस तरह की जो किताब है वो हिट किताब नहीं होगी, वो गंभीर तो किताब होगी लेकिन लोकप्रिय किताब नहीं होगी। तो उस धारणा को तोड़ने में एक हद तक उसने कामयाबी हासिल की है और हिंदी बेल्ट के जो ज्यादातर जगह है वहां पर ये किताब पढ़ी जा रही है। और ये एक राजपाल प्रकाशन है दिल्ली में, उन्होंने इस किताब को छापा है। ये एक कथेतर की किताब है, ये है तो यात्राओं की किताब बट इसको रिपोर्टाज है। इसका जो मूल जो ये है विधा है वो रिपोर्टाज की विधा है और ये 208 पेज की किताब है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अब जब मैं ये सोच रहा था कि मुझे बातचीत करनी है कुछ 15-20 मिनट तो किस दिशा में मैं बातचीत करूं, तो किताब लिखने के बाद जो सवाल मुझसे पूछे गए थे उन सवालों को मैंने लिखा अपनी कॉपी में और मैंने कहा कि कोई भी बड़ा मंच होगा तो उसके जवाब मैं उसमें दूंगा। तो ये फॉर्मेट के साथ मैं इन सारी चीजों को शुरू कर रहा हूँ।
सबसे पहले तो ये कहा गया कि भाई ये किताब है किस बारे में, किन लोगों के बारे में। तो ये उन लोगों के बारे में है जो कि पहाड़ों पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, और इवन अब तो हमारे दिल्ली में और बॉम्बे में भी रहते हैं, लेकिन उपेक्षित है वो तबका जो उपेक्षित और हमें मालूम है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने ऐसा कहा कि आपको मालूम नहीं, हमें मालूम है, लेकिन हम जानबूझकर उपेक्षित रखते हैं अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी आपाधापी की वजह से, या फिर हम यथास्थिति वादी हैं कि भाई ये तबका क्यों आगे बढ़े, ये तबके के पास जमीन क्यों होनी चाहिए, इस तबके के पास अगर जमीन हो गई कि सरपंच बन जाएगा तो फिर कल को हमको चैलेंज करेगा। तो एक तबका अगर पिछड़ा रहेगा तो दूसरा उस पर शासन करेगा। तो ये जो युवा पात्र है वो पात्र है आधुनिकता से धकेल दिए गए पात्र हैं, परिवर्तन के नाम पर, विकास के नाम पर, और इनसे बार बार त्याग की उम्मीद की जाती है कि राष्ट्र के नाम पर त्याग करो, धर्म के नाम पर त्याग करो, जातियों के नाम पर त्याग करो। और इस तरीके से ये जो महात्मा गांधी के लोग हैं या बाबा अंबेडकर साहब के लोग हैं या बिरसा मुंडा जी के लोग हैं जो कि मानवता के पक्ष में खड़े, इसलिए हम इन सबके साथ खड़े हैं, ये उन आखिरी पंक्ति के लोगों को ढकेलने का काम करते हैं। आज का जो दौर है आजादी के इतने सालों के बाद, ये चरमपंथ इसमें और आगे बढ़ गए हैं, और इसमें नुकसान उन्हीं जो पंक्ति के सबसे लास्ट के लोग हैं उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि क्या है, आप राष्ट्र की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाएंगे, और इन बुनियादी मुद्दों पे उनको डाइवर्ट करेंगे कि ये तो कोई मुद्दे नहीं है या इन पे बात नहीं होना चाहिए। तो नुकसान किसको है, नुकसान फांसी के लोगों को है जिनको और पीछे धकेल दिया जाएगा। तो ये कहानी उन पात्रों की है जो आंकड़ों में दब गए, हम बड़े बड़े आंकड़ों की बात करते हैं। तो हमने कोशिश करी कि वो जो आंकड़े आंकड़े जो है उसके चेहरा क्या है, उन चेहरों की अपनी कहानी क्या है, उनकी अपनी घटना है, उनके अपने एक्सपीरियंस क्या, उनका संघर्ष क्या, उनकी चुनौतियां क्या है, उसको कहीं ना कहीं हमने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी। कुछ एक के नाम बदले हैं, बाकी जो का क्यों रखा है। तो ये तो हो गया पात्रों के पास। अब ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि इसका नाम बहुत अच्छा, एक देश बारह दुनिया, इसका मतलब क्या है, एक देश के भीतर बारह दुनिया, तो बारह रिपोर्टर्स है, तो बारह रिपोर्टर्स है इसलिए बारह दुनिया। तो मैं लगातार मतलब इसके नाम को लेकर जब मैं सोच रहा था कि क्या रखूं, और मैं बार बार जब अपनी किताब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था ये एक देश के भीतर इतना सारा सब कुछ है। हम ये तो हमने सुना है कि भारत विविधताओं का देश है, ये भी सुना है कि घाट घाट पर पानी बदलता है, लेकिन एक ही भारत 200-300 किलोमीटर के अंदर 200-300 साल पीछे चला जाता, एक भारत है जो 200 साल आगे बढ़ने की बात कर रहा, एक भारत है जो 50 साल पीछे, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो है ही, काल है, परिस्थिति है, समय, सारी चीजें हैं। और ये कैसा है कि बस्तर में जो है खटिया को उल्टा कर दो तो वो एम्बुलेंस बन जाती है, पर एक भारत ऐसा है जो जिसमें कुछ एक अमीर है वो दुनिया के सबसे अमीरों से टक्कर ले रहे हैं, तो इतना डिफरेंस कैसे एक भारत के भीतर। और ये जो है, ये कुछ लोग जो है इसको और आगे बढ़ने के लिए ये साधन संसाधनों पे लगातार कब्जा कर रहे हैं। तो हमने तो अंग्रेजों के जमाने की बातें सुनी थी कि वो जुल्म करते हैं और वो एक साम्राज्यवाद के उपनिवेशवाद थे, लेकिन ये किस्म किसका है जिसमें हमारे ही लोग हमारे ही लोगों का खून चूस के और बहुत अमीर से और अमीर बनते जा रहे हैं। ये जो है एक्चुअली इन सारे वर्ग की कहानियां हैं, और इस तरह से इनको बारह देश कहा गया। अभी तो विवाद ये था एक देश के भीतर दो देश कैसे हो सकते, लेकिन इसमें मैं दावा कर रहा हूं कि मैंने तो बारह ही देश का इसमें संकलन किया है, ये देश और दुनिया इससे ज्यादा है। और इस लिहाज से हमने इसको एक देश के अंदर बारह दुनिया ये नाम रखा है। इसका जहां तक कालखंड की बात है तो ये कालखंड 2008 से शुरू होता है मेलघाट की पहाड़ी से 2017-18 तक, इसका लेखन 2017-18 से हुआ है और ये प्रकाशित 2021 में हुए। तो कह सकते हैं कि एक या डेढ़ दशक की जो है वो इसमें ब्यौरा है। क्या है कि इतिहास से कई बड़ी बड़ी चीजें तो दर्द हो जाती है, छोटी चीजें छूट जाती हैं, तो हम उन मामूली चीजों को, उन मामूली कैरेक्टर को अपनी किताब में दर्ज करते हैं और कोशिश करते हैं कि इतिहास में बड़ी चीजें छूट गई हैं, वो तो डॉक्यूमेंट होगी, लेकिन जो मामूली नदियां हैं और जो लोग हैं उनकी कहानियां भी कहीं ना कहीं दर्ज हो और वो असलियत में दर्ज हो, ना कि कल्पना के रूप में। और इस तरह से इसकी कोशिश की गई है। भूगोल की बात की जाएगी तो भूगोल ये है कि महाराष्ट्र है,
और मुंबई है। महाराष्ट्र और मुंबई अलग अलग करके मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुंबई की तासीर महाराष्ट्र के विदर्भ और मेलघाट और बीड से बहुत अलग है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पे कई किस्म की संस्कृतियां एक साथ विकसित हो रही हैं, तो इसलिए इसकी तासीर अलग है। इसके बाद मैंने गुजरात की बात करी है, गुजरात में खासतौर से शहर की बात करी है, सूरत शहर की बात करी है कि वो जो शहरीकरण है वो किस तरह से, और आप ये गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं तो गुजरात मॉडल की क्या क्या उसकी अच्छाइयां और बुराइयां हैं और कौन लोग उसको भोग रहे हैं। तो कई बार सूरत जाना हुआ और वो कई दौरों के बाद वो एक रिपोर्टाज लिखा। अगला रिपोर्टाज है वो नर्मदा को लेकर है, और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो है ही, गुजरात की और राजस्थान की और कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र की भी जीवन रेखा है, और इस तरीके से ये इलाके किए हैं। परोक्ष रूप से तो दो इलाके और कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश का और दूसरा कर्नाटक का। इसके बाद छत्तीसगढ़ के तीन एरिया को किया, इसमें एक तो बस्तर का किया, दूसरा एक मैदानी इलाका और तीसरा एक खेत वाला इलाका। इन तीनों को किया, एक आदिवासी स्टेट में किस तरह की समाज है, किस तरह की संस्कृति है, उसकी बात की है। इसके उसके बाद जो है मैंने राजस्थान का थार इलाका लिया है, और राजस्थान के थार इलाके को जो है वहां पर महिलाओं के साथ जो अनाचार हो रहा है उस मुद्दे को कवर किया। तो ये तो भूगोल की बात होगी। अतः हम इसके उपशीर्षक इसको जोड़ते हैं, एक देश बारह दुनिया हाँसी पर छोटे भारत की तस्वीर। तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि इसमें भारत कहाँ है, इसमें तो बिहार नहीं, इसमें तो झारखंड नहीं, इसमें तो यूपी नहीं है, तो आप इसको भारत की बात क्यों कर रहे हैं। भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत नहीं, लेकिन मुद्दों के आधार पर देखा जाए तो ये भारत, उपेक्षा के आधार पर देखा जाए तो भारत। जिस जगह मैं रह रहा हूँ सामने, अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ भी एक पूर्व उत्तर है। अगर पूर्व उत्तर को हम उपेक्षा का एक प्रतीक मान लें तो यहाँ पर पूर्व उत्तर है। तो उपेक्षित भारत तो आपके आसपास बसता ही जा रहा है, क्योंकि आप तो जल जंगल जमीनों से उनको जब नदेड़ेंगे तो वो तो आपके आसपास भी जाएंगे और पूर्व उत्तर भी पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये मुद्दों के आधार पर मेरा ये मानना कि मुद्दों के आधार पर ये भारत को रिप्रेजेंट करती है, और जो मुद्दे जो मैंने लिखे हैं वो सीधे भी हैं कनेक्ट, और थोड़ा से उनमें उसके भीतर भी कई सारे मुद्दे आते हैं। जैसे मेलघाट की जब मैंने बात करी तो वहां पर भूख कम होता है, लेकिन जब हम भूख की बात करते हैं तो कुपोषण आता है, गरीबी आती है, बेकारी आती है, विस्थापन, पलायन, टाइगर रिजर्व योजनाओं का हाल आता है। फिर दूसरी जो कहानी है वो है मुंबई की वेश्यावृत्तियों को लेकर, कमाटीपुरा को। लेकिन हम वेश्यावृत्ति की बात करते हैं तो उसके अंदर और कई मुद्दे आते हैं, छल आता है, कपट आता है, शोषण आता है, प्यार की मार आती है, दोस्ती आती है, और कई हमारे देश में ऐसे भी हैं जो घुमंतु और घुमंतु जाति जनजातियां हैं, और जब उनकी बात आती है तो उसमें जमीन का अधिकार की बात आती, शिक्षा के अधिकार की बात आती, पंचायतों के प्रतिनिधित्व की बात आती, जनगणना और आरक्षण से छूटे वर्ग की बात आती है, परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष की बात आती है, और आइडेंटिटी की बात आती है, पहचान की लड़ाई की बात आती है। गन्ने के खेतों की जब हम बात करते हैं मराठवाड़ा में, तो ग्रामीण संरचना एक आती है जिसमें जातीय संरचना है, दलित व आदिवासी स्थान की बात आती है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सवाल आता है, महिला उत्पीड़न आता, बाल उत्पीड़न आता, यथास्थिति बात की संकल्पना आती है। स्कूलों की बात करते हैं तो आदर्श स्कूल कैसा होना चाहिए, कैसे एक पारदी जो कि जिसपे दाग लगा हुआ है कि वो क्रिमिनल है लेकिन वो तो क्रिमिनल नहीं है, और वो जब स्कूलों के संपर्क में आता है तो कैसे नई पीढ़ी एक तैयार हो जाती है, उम्मीद जगाती है वो, और इसमें कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की वकालत की गई है कि क्यों सरकारी स्कूल जरूरी होने चाहिए, और इसमें प्रेम भी है और एकजुटता भी है। और आगे की कहानियों में अम्बेडकर की बात है कि वो शिक्षा और प्रेम पर किस तरीके से जोर दे रहे हैं, और इस तरीके से शहरी विकास है। जब शहरी विकास की बात करते हैं तो गरीबी को जगह की बात आती है, और बहु विस्थापन की भी बात आती है, एकरूपता की बात आती है। एकरूपता आधारित विकास जो है, मतलब एक मॉडल बना दिया, उस मॉडल के हिसाब से ही सब जगह विकास होगा, सूरत है तो भोपाल भी सूरत बनेगा, बनारस भी सूरत बनेगा, उस तरह की विकास की बात है। कॉर्पोरेट हित की बात है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई पैदा हो रही है उनकी बात है। जब नर्मदा नदी की बात होती तो छोटी नदी आगे आती है, और बार बार वही विस्थापन आता है, वही पुनर्वास, वही पलायन आता है, पर्यावरण संबंधी बातचीतें आती हैं,
तरक्की से संबंधित अराजकताएं आती है और रेत खनन माफिया आता है, किसी का पैटर्न जो बदल रहा है, जब नदियों के आसपास विकास होता है, पानी खूब मिलता है, बांध बनते हैं तो जनता की मांग कहाँ रह जाती है, रासायनिक प्रदूषण किस तरह से होता है, मछुआरे बागवानी करने वालों के पास क्या बीतती है, मिट्टी का कटाव किस तरह से होता है, जंगल कैसे उजड़ता है, शहर उद्योगों को पानी पिलाना और उन पर लगातार नदी पर किस तरह से दबाव बढ़ता जाता है, बड़े बड़े ठेके, उनके कमीशन, परमाणु बिजली घर, ये सारी चीजें आती हैं। महिला अनाचार की बात आती है तो सामंती पुरुष प्रधान समाज इसमें शामिल है, जो मैंने खाद की बात कही थी, कोर्ट कचहरी आती है और समाज किस तरह से उन्हें देखता है, महिलाओं का संघर्ष और महिलाओं में जो नई चेतना आ रही है वो किस किस्म की है, और बस्तर की बात आती है तो आदिवासी समाज, संस्कृति, भारत का अतीत, वर्तमान, भविष्य, ऐसी जगहों पर शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, पोषण की क्या स्थिति है, बाजार किस तरह का है, डर, विश्वास, अविश्वास, असंतुलित विकास, ये जो बातें हैं ये आते हैं। इसके बाद हमारा पुरातन स्थापत्य कला जो धरोहर है उसके लिए एक अलग से रिपोर्ट की गई है कि वो उसका वो भी विकास का जो बुलडोजर है उसके नीचे किस तरह से आ जाता है। और आखिरी में जो बात की गई है वो किसान, छोटे किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूरों की बात की गई कि वो किस तरह से उपेक्षित हो रहे हैं और किसी समस्या है कि और उनकी जो बुनियादी समस्या है वो किस तरह से और विकराल हो रही है। तो ये इसमें मुद्दे हैं और मुद्दों के आधार पर ये जो है भारत को रिप्रेजेंट करती है ना, अभी भूगोल के आधार पर रिप्रेजेंट करती है। इसमें एक सवाल ये आया, अब मेरा टाइम हो जाए तो मुझे स्पष्टली बोल दीजिएगा, मैं वही रुक जाऊंगा। अभी 5 मिनट और बोलिए। अच्छा 5 मिनट और, ठीक ठीक ठीक। एक सवाल इसमें आता है कि ये जो आपने ये क्यों लिखी है किताब। तो बेसिकली मैं पत्रकार था और मैं लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहा था तहलका में और राजस्थान पत्रिका में और दूसरे अखबारों के लिए, तो मुझे हमेशा ये बात रहती थी कि समाचार के आगे है कहानियां, तो और वो जो घटना है, वो जो कैरेक्टर, वो मुझे याद रह जाते। तो कभी मुझे लगता था अगर मैं ब्रेक लूंगा तो ये कहानियां लिखूंगा, और 2018 में ऐसा हुआ कि मुझे एक ब्रेक मिला और फिर मैंने वो कहानियां लिखी। और मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि मुझे चीजें चेंज नहीं हो रही थी, परिवर्तन नहीं हो रहा था। दूसरा ये था कि बार बार ये कहा जा रहा था कि शहर और गांव अब रहे नहीं, शहर और गांव जो है वो पहले तो डिस्टेंस था, अभी कोई डिस्टेंस रहा नहीं। मुझे लग रहा था कि एक तो जो ग्रामीण चेतना है वो कुछ अलग किस्म से जा रही है, और इसमें जो है वो डिस्टेंस तो कम हो रहा है, भौतिक डिस्टेंस, लेकिन जो जो सम्मान मान मिलना चाहिए वो नहीं, क्योंकि नर्मदा के लोग जब सूरत जाते हैं या बॉम्बे जैसी जगह जाते हैं उजड़ के, तो उन्हें तो वहाँ कोई मान सम्मान या ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, ना तो नीतियों में वो बारीक बातें आती हैं और ना ही समुदाय उस तरह से उनके साथ में एक इंटरेक्शन करता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये किताब अभी लिखा जाना चाहिए, और इसको लिखते समय मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि ये कहानी मुझे लिखनी थी, ये तो 20 साल बाद मुझे लगा कि इस पर किताब बन सकती है, और नहीं तो मैं कुछ आंदोलन, कुछ एनजीओ, कुछ अखबारों में काम कर रहा था और मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी, सार्वजनिक जो साधन हुआ करते थे उन्हीं से मैंने किया, कहीं नाव, कहीं किसी की मोटरसाइकिल, कहीं राजपरिवहन की बस, तो कहीं किसी की जीप मिल गई और ज्यादातर ट्रेनों से, और उस तरीके से ये सारी चीजें की। इसका जो दृष्टिकोण रहा वो ये कह सकते हैं कि मूलतः मैं पत्रकार हूँ, तो एक इसकी जो मानक है वो तो पत्रकारिता से संबंधित है, इसकी जो दृष्टि है वो सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें धर्म आध्यात्म नहीं आता है, इसमें जो सारी कहानियां आती है वो एक समाज से रिलेटेड है, सामाजिक सरोकार, अगर वो पर्यटन क्षेत्र है तो वहां भी सामाजिक सरोकार है, और इसकी जो लेकिन कथानक और भाषा है वो थोड़ी साहित्यिक है, तो इस तरीके से इसमें तीन कारक एक साथ काम करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई इसमें आप जो कह रहे हो कि उदाहरण के लिए आपने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि ये जो थार में महिला अनाचार होता है तो क्या बुंदेलखंड में नहीं होता है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है ये प्रतिनिधित्व करती कहानी, और इसको पढ़ के ये लगे आदमी को कि नहीं ये कहानी तो हमारे आसपास की कहानी भी है, और ये बाहर की कहानी नहीं तो ये तो बुंदेलखंड में भी हो सकती है, और उस तरीके से है। एक और जो आया था वो ये था कि आप अगर नर्मदा के किनारे पे तो आप नर्मदा पे ही काम करते विस्तार से तो ज्यादा बेहतर होता, तो इस बारे में मेरा ये मानना है कि
अगर आप चीजों को बड़े बड़े दृष्टि में देखते हैं तो हमें नर्मदा के आसपास की पिक्चर देखना चाहिए और इससे कनेक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए नर्मदा से विस्थापित लोग वो कहाँ गए, और अगर उनकी भी कहानी हम लेंगे तो एक बड़ा परिदृश्य होता है, और वो नर्मदा की ही कहानी है। मतलब आप अगर देखते हैं कि मुंबई में विश्ववृत्ति है और भुखमरी है, उसकी जड़ें कहाँ, उसकी जड़ें मेलघाट जैसी जगहों पर है जहाँ पे आदिवासियों को उजाड़ा गया और वो मजबूरी में वहां पर आए। तो वो क्या है, दो अलग अलग जब पिक्चरें दिखाते हैं तो असली परिदृश्य उभरता है। कहने के लिए काफी बातें हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा समय पूरा हो गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीश जी। आपने अपने वक्तव्य में अपनी पुस्तक के बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसी बातें भी कही जो कि आमतौर पर नहीं कही जाती हैं, और आजकल ऐसी बातों को कहने का फैशन नहीं रह गया है। और जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, वो ये है, आपने कहा कि ये जो 12 देश जो 12 किस्म की भौगोलिकताओं की नुमाइंदगी करते हैं, आपने बताया कि किस तरीके से ये भौगोलिकताएं मिलकर एक देश का निर्माण करती हैं, ये देश का निर्माण किन्हीं सकारात्मकताओं, किन्हीं सफलताओं और किन्हीं मानवीयताओं के आधार पर नहीं हुआ है, ये एक नकारात्मक संस्कृति की निरंतरता की वजह से, उपेक्षाओं के कारण, शोषण के कारण, अत्याचार के कारण, इस ये जो 12 देश हैं ये मिलकर जो एक देश का निर्माण करते हैं, ये 12 भौगोलिकताएं हैं, ये दरअसल देखा जाए तो इसके सारे घटक नकारात्मक हैं, और ये आधुनिकता की विफलता की नुमाइंदगी यहाँ पर हो रही है, और आधुनिक विकास की विफलता की नुमाइंदगी यहाँ पर हो रही है। तो अब मैं शुभनीत जी से निवेदन करूंगा कि वो खरे श्रीश खरे की पुस्तक के ऊपर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अभय सर। सबसे पहले तो CSDS का और निशिकांत कोलगे जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रीश खरे की किताब एक देश 12 दुनिया पर बोलने का अवसर मुझे दिया। और श्रीश खरे जी ने जैसा बताया अपनी किताब के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाकों में घूमते हुए ये 12 रिपोर्टें लिखी, और इन 12 रिपोर्टों के माध्यम से उन्होंने किस तरीके से एक जो हाशिए पर छूटा हुआ जो भारत है उसकी एक मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने रखी है, पाठकों के सामने, जो एक ऐसा भारत है जो आधुनिकता के नाम पर या जो विकास के हमारे जो एक मॉडल प्रचलित हैं उनके वजह से, या जो परिवर्तन के नाम पर जिन्हें बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया गया है, उनको एक देश 12 दुनिया में श्रीश खरे जी हमारे सामने लाते हैं। और रिपोर्टाज की जहाँ तक बात है तो अपने सीमित अध्ययन में जो मैंने कुछ रिपोर्टाज पढ़े हैं हिंदी में, विशेषकर रेणु जी का जो पटना और बिहार के इलाकों में जो बाढ़ और सूखे पर लिखे हुए जो रिपोर्टाज जो ऋण जल धन जल के नाम से छपे, या 43 के बंगाल के अकालों पर जो रंगे राघव द्वारा लिखा गया जो रिपोर्टाज है तूफानों के बीच, और बिल्कुल हाल में अभी 3 बरस पहले जो अभिषेक श्रीवास्तव की किताब आई थी देश गांव, तो उस कतार में श्रीश जी की यह एक जो नवीनतम प्रकाशित किताब है एक देश 12 दुनिया, उसे मैं रखना चाहूँगा। और जिस तरीके से जो एक समाज की वस्तुस्थिति को सामने लाते हुए, सामाजिक यथार्थों को सामने लाते हुए श्रीश खरे जिस विसंगतियों की ओर और जिन विरोधाभासों की ओर इशारा करते हैं, वे ऐसे विरोधाभास हैं जो मुख्य धारा का मीडिया है वो उनकी बात वो नहीं करना चाहता है, या उनको वो अपनी आंखों से ओझल रखता है और उन्हें उपेक्षित कर देता है। तो ऐसे में इस पुस्तक का जो महत्व है वो और बढ़ जाता है। और जैसा श्रीश जी बता रहे थे शुरू से ही कि मेलघाट से शुरू करते हुए जहाँ और वो विरोधाभास की वो कहानी भी बिल्कुल जो शुरुआती अध्याय से ही खुलती चली जाती है,
जिसमें एक और पर्यटन विभाग उसको दिखा रहा है कि ये बाघों के लिए जो आरक्षित या टाइगर रिजर्व है, और दूसरी ओर जो वहाँ की जनजाति है कोरकू जनजाति, वो किस तरीके से जो लोग सैकड़ों सालों से हजारों सालों से जंगलों के साथ जीना और रहना सीखते हुए आए थे, उनको किस तरीके से बाघ अभयारण्य बनाने के लिए या टाइगर रिजर्व बनाने के नाम पर विस्थापित कर दिया गया, या जो और उसमें जो उसमें जो जुड़ी हुई जो दूसरी कहानियां हैं, एक तो विस्थापन की कहानी है, दूसरी कहानी पुनर्वास कार्यक्रम की जो पूरी एक महाविफलता है वो, और उसके साथ साथ जो जो जमीनों के मालिक थे उनके मजदूर में तब्दील हो जाने की जो कहानी है वो सामने आती है, जिसमें एक ग्रामीण जो कहता है कि जब ये लोग कह रहे थे कि हम तुमको जमीन देंगे, और तब हमें लगता था कि आखिर ये हमारी ही जमीन है, हमें ही क्यों देने की बात कर रहे हैं, और दशक भर में ही जब उसका सच्चाई उसकी खुलती है तब सामने पता चलता है कि जो लोग जमीन के मालिक थे वो भूमिहीन हो गए और मजदूर के रूप में उनको उनके नाम पे पुनर्वास की योजनाएं चलाई जाने लगी। और इसके बारे में पी साईनाथ ने अपनी जो 90 के दशक में जो उन्होंने किताब लिखी थी एवरीबॉडी लव्स अ गुड रॉट, उसमें साईनाथ ने इन विसंगतियों को बहुत स्पष्टता से उभारा था कि किस तरीके से जो गांव के स्तर पर या जो ऐसे बिल्कुल दूर दराज के इलाके हैं और जिन्हें पी साईनाथ कहते हैं कि जो भारत के सबसे पिछड़े जिले हैं, वहां पर किस तरीके से ये विरोधाभास और विसंगतियां सामने आती हैं, उसको भी सीरीज करे, ऐसे चाहे महाराष्ट्र के इलाके हों या छत्तीसगढ़ के इलाके हों या फिर राजस्थान के मध्य प्रदेश के इलाके हों, उनके माध्यम से हमारे सामने लाते हैं। इसके साथ साथ जो जनजातियों का जो है मेलघाट के संदर्भ में कोरकू जनजाति हो, चाहे पारधी जनजाति हो, या फिर सैयद मदारी हो, या फिर तिरमली हो जो नंदी बैल को लेकर घूमते हैं, या मदारी और जादू का खेल दिखाने वाले सैयद हो, जिन पर कभी औपनिवेशिक काल में अपराध जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया 1870s में जो एक्ट बनाकर, और जिन्हें आज़ादी के बाद डिनोटिफाइड तो किया गया, जिन विमुक्त जनजातियां जिनको कहा गया, लेकिन फिर भी डिनोटिफाइड होने के बाद भी जो सरकार के द्वारा जो उसमें बुनियादी सुविधाओं से वो लोग वंचित रहे, और पुलिस के लिए हमेशा वो सर्विलांस में रखी गई हुई जनजातियां की आसपास अगर कुछ भी गलत होता है तो वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स को पहले ही संदेह के घेरे में राज्य हमेशा उनको रखता है, तो ये बात भी सीरीज जी उसमें उठाते हैं। भूमिहीनों का जो संघर्ष है और उसमें जो जमीन का महत्व बार बार सामने आता है कि किस तरीके से जो जमीन की महत्ता है खासकर ग्रामीण परिवेश में, उसमें जमीन एक और स्थायी आवास और कृषि के लिए जरूरी तो है ही, वो आर्थिक संबल भी देती है आपको और आपके अपने आत्मगौरव से भी जुड़ी हुई है। तो जमीन का ये जो मसला है, जैसा कि बजरंग ताटे और दूसरे जो संजय तंबारे जैसे कार्यकर्ताओं की बातचीत के हवाले से जो आता है उभर कर जो परिदृश्य, उसमें जमीन की जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई से भी जुड़ी हुई बिल्कुल होकर सामने आती है। और इन्हीं जनजातियों के संघर्ष में एक दूसरा जो महत्वपूर्ण संघर्ष उभर कर आता है वो है उनकी अपनी जो राज्य द्वारा जो नागरिकता की बात कही जा रही है कि तुम नागरिकता के प्रमाण जुटाओ, और इन जनजातियों के पास जो ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, उनके ऊपर एक ये हमेशा एक तलवार मडरा रही होती है कि वो आखिरकार अपनी नागरिकता को साबित कैसे करें, तो ये प्रश्न भी ये मुद्दे भी सीरीज जी की इस किताब में उभर कर सामने आते हैं। गन्ने के खेत में मजदूर और मुकादम के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसकी चर्चा सीरीज जी ने की ही थी। प्रवासी मजदूरों के इस पलायन और इस विस्थापन में उनके बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उनके बालमन पर जो आघात हो रहा है, उस
पूरे विस्थापन की वजह से, और उनकी शिक्षा जो बाधित हो रही है, और किस तरीके से उन बच्चों के पूरे मनोवैज्ञानिक विकास पर असर पड़ रहा है इस विस्थापन की पूरी प्रक्रिया का, ये भी सीरीज जी के लेखन में उभर कर सामने आती है। और इसके साथ साथ जो कमाटीपुरा में वेश्याओं की स्थिति बताई है सीरीज जी ने, कि किस तरीके से बेकारी और जो पलायन का है पूरा वातावरण वहां पर, और क्या जो कारक हैं जो इसके पीछे उनको उस विचारवृत्ति के धंधे में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, समाज की उसमें क्या भूमिका है, राज्य की उसमें क्या भूमिका है, और किस तरीके से उन्हें स्टिग्मेटाइज किया जाता है, और पुनर्वास में क्या दिक्कतें आती हैं, इन सब को बहुत ही प्रमुखता से सीरीज जी ने उठाया है। और ये कहानियां कहते हुए, ये रिपोर्टाज कहते हुए सीरीज अपने जीवन में भी जो कुछ घट रहा है, जिसमें सीरीज और शीरीन की जो कहानी है वो भी उसमें कमाटीपुरा के उस पूरे रिपोर्टाज में चलती रहती है। तो एक और सीरीज जी के अपने जीवन में उथल पुथल चल रहा होता है, उसमें व्यक्तिगत उनकी अपनी जो जीवन की उथल पुथल है, और दूसरी ओर कमाटीपुरा की जो औरतें हैं, जो वेश्याएं हैं, उनकी जीवन की जो जद्दोजहद है, उनका जो संघर्ष है, वो भी उभर कर सामने आता है। मध्य प्रदेश की ओर रुख करें तो जो नर्मदा से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है, रिपोर्टाज है, वो देखते हुए मुझे जो नर्मदा डायरी करके आनंद पटवर्धन जी की डॉक्यूमेंट्री है वो भी याद आती रही बर बस। और ये जो नर्मदा की तस्वीर है जिसमें आप अमरकंटक, डिंडोरी, चुटका, ये सब जो जगहें हैं बरगी बांध पे, उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे वो बॉक्साइट के खदानों में खनन की समस्या हो, या फिर जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई की समस्या हो, बरगी में बड़े बांधों को बनाने से जो समस्या उपजी, और बांधों के बनने से जो विस्थापित हुए लोग हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का पूरा परिदृश्य हमारे सामने खुलता है। और इसके साथ साथ जंगलों में भी किस तरीके से जो पुराने मिश्रित पेड़ों वाले जंगल थे, उनको कैसे सरकार जो है साल बहुल जंगल करार देती है, फिर और उसका पूरा नर्मदा की पारिस्थितिकी पर, नर्मदा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसकी पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ता है, वो भी इन रिपोर्टों के माध्यम से सामने आता है। गुजरात में जो सूरत और वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की झोपड़ियों के को जमींदोज करने और उनको विस्थापित कर देने की जो पूरी प्रक्रिया का बिल्कुल वर्णन किया है सीरीज जी ने, और बम्बई के भी संदर्भ में, वहाँ भी मुझे आनंद जी का, आनंद पटवर्धन की ही डॉक्यूमेंट्री बॉम्बे आवर सिटी याद आती है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो बम्बई बृहन मुंबई नगर पालिका है वहाँ बैठ के लोग निर्णय ले लेते हैं, और जो झुग्गी हैं, जो झोपड़ियाँ हैं, उनको रातों रात जमींदोज कर दिया जाता है। तो ये और किस तरीके से उस जमींदोज कर देने की, राज्य द्वारा जमीन बस्तियों को जमींदोज कर देने की उस परिघटना से जो एक पूरी की पूरी हजारों की तादाद में परिवारों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो किस तरीके से धूमिल हो जाती हैं, बिल्कुल ध्वस्त कर दी जाती हैं, वो भी सीरीज जी के इस लेखन में उभर कर सामने आती है। और इसके साथ साथ राजस्थान के संदर्भ में राजू और मीरा के माध्यम से सीरीज जी ने जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, और उन अत्याचारों के बावजूद भी, पितृसत्तात्मक समाज की उस संरचना के बावजूद भी, किस तरीके से राजू और मीरा जैसी जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं जो दलित भी हैं, वो किस तरीके से अपनी अस्मिता को या अपने अधिकारों को असर्ट करती हैं, उसको भी सीरीज सामने लेकर आते हैं हमारे। और
बस्तर के जंगलों में या जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ की रिपोर्टाज के हवाले से जो आदिवासियों का जो दैनंदिन संघर्ष है, चाहे वो कस्बे और जो बाजार हाट जाने के लिए और उसमें पुलिस और जो स्पेशल पुलिस फोर्सेस हैं और माओवादियों के बीच जो नक्सलों के बीच नक्सलवादियों के बीच जो संघर्ष हो रहा है और उसमें आदिवासियों की क्या स्थिति बन रही है उसको लेकर, जिसमें स्कूल बंद हो जा रहे हैं और स्कूलों पर जो अर्धसैनिक बल हैं वहाँ वो काबिज हो जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को सीरीज जी सामने लाते हैं। और इसमें कारपोरेट की भी क्या भूमिका है, जैसा कि भूमिहीनों के संघर्ष के संदर्भ में भी सीरीज जी ने दिखाया है कि वे लोग सूरत में भूमाफियाओं से तो वो जीत जाते हैं, लेकिन जो कारपोरेट और सरकार का जो एक पराजय गठजोड़ है उससे आम लोग वो जीत नहीं पाते हैं। तो उन स्थितियों को भी सीरीज सामने लाते हैं। मुआवजा निर्धारण और उसके वितरण का जो पूरा छल है वो भी इस किताब में एक देश बारह दुनिया में बिल्कुल उभर कर सामने आता है। भले एक बार भी ये लगे कि ये बिल्कुल भारत के संदर्भ में एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करने वाली किताब है, लेकिन ये उम्मीद बढ़ाने वाली भी किताब है। जैसा कि एंटोनियो ग्राम्सी कहा करते थे कि पेसिमिज्म ऑफ इंटेलेक्ट ऑप्टिमिज्म ऑफ विल वाली, जो दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से, दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए जो उम्मीद बढ़ाते हुए लोग हैं, चाहे वो वाल्मीकि निकालजे हों या बजरंग ताटे जैसे संजय तांबारे, सुनील जी जैसे, राजकुमार सिन्हा जी जैसे लोग, जो ऐसे निराशाजनक माहौल में भी अपना काम कर रहे हैं और जो संगठन है, चाहे वो राजर्षि साहू ग्रामीण विकास प्रकल्प हो, लोकहित हो, या बर्गी बांध विस्थापित संघ हो, या फिर महिला जन अधिकार समिति जैसी संस्थाएं हैं जो उसी निराशाजनक या उसी दमनकारी माहौल में काम कर रही हैं और बेहतर काम कर रही हैं, तो उनके बारे में भी ये किताब है। और जैसा राम मनोहर लोहिया करते थे कि निराशा के अपने कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज ऑफ डिस्पेयर जिसको कहा करते थे, तो ये किताब निराशा की भी बात करती है, नाउम्मीदी की भी बात करती है, लेकिन निराशा के क्या कर्तव्य होते हैं और उम्मीद के क्या अपने कर्तव्य होते हैं, उम्मीद जगाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए उसकी भी बात करती है। तो मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभनीत जी, आपने बहुत विस्तार और बहुत गहराई से इस पुस्तक के बारे में चर्चा की और जो मुझे आपके वक्तव्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लगी मेरी अपनी दृष्टि से, और दूसरे साथियों ने और भी महत्वपूर्ण बातें जरूर इसके अंदर चिन्हित की होंगी। आपने बताया कि आधुनिक विकास, आधुनिकता और आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक राज्य पहले ये शोषकों की पहली कतार पैदा करते हैं, जैसे कि भूमाफियाओं के तौर पर आपने चिन्हित किया, और जब शोषित उनके खिलाफ संघर्ष करके उन्हें परायत कर देते हैं तो उन्हें उस जीत की खुशी मनाने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि नेपथ्य से निकलकर शोषकों की एक नई और ज्यादा सक्षम कतार सामने आ जाती है। जब भूमाफियाओं को सामंतों को हराते हैं, भूमाफियाओं को हराते हैं उसके बाद पता चला कि कारपोरेट लोग निकलकर सामने आ जाते हैं और फिर वो आपके और फिर वो आपसे कहते हैं कि वो आपकी जमीन आपको वितरित करेंगे। तो ये एक ऐसा एक कभी ना खत्म हो जाने वाला एक सिलसिला है, और इस सिलसिले की जड़ कहाँ पे है, इस कार्यक्रम में आगे भी हम लोग इस तरफ भी विचार करेंगे। तो अब मेरी रणेंद्र जी से अनुरोध है, मेरा रणेंद्र जी से अनुरोध है कि वो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, कुछ नए आयामों को हमारे सामने रखें। नमस्कार, जोहार सबको, और हार्दिक आभार CSDS का, निशिकांत कोलगे जी का, अभय जी का, और विशेष रूप से सीरीज जी का कि जिन्होंने मुझे जोड़ा इस कार्यक्रम से और ये पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला।
मैं जब पढ़ रहा था इस पुस्तक को तो मुझे बार बार महाश्वेता देवी याद आ रही थी, और महाश्वेता देवी ने रांची के बगल में ही पुरुलिया में सबर लोगों के लिए जो लड़ाइयां लड़ी थी, खास करके बुद्धन सबर की जो हवालात मौत हुई थी उसके बाद जो एक लंबा संघर्ष चला था उनका, और वो याद आ रहा था और उन लड़ाइयों की रिपोर्टाज ध्यान में आ रही थी। तो जो काम महाश्वेता देवी ने शुरू किया था और जिस एक देश के अंदर कई देशों की बात सीरीज खरे कह रहे हैं, और मैं अपने उपन्यास में गायब होता देश ही कह रहा हूँ कि देश ही गायब हो रहा है, जो आप 12 देश की बात कह रहे हैं, ऐसे जो हाशिए के जो देश है, हाशिए की जो जमीन है, हाशिए के लोगों की जो जमीनें हैं, या ये जो हाशिए की जो परिधि है वो बढ़ती जा रही है लगातार। और मेरा जो अनुभव क्षेत्र है, 32 साल मैंने झारखंड में गुजारे हैं, और चूंकि मैं पहले स्टेट सिविल सर्विस में आया था तो मेरी जो पोस्टिंग थी वो गांव में हुआ करती थी, और जो अनुभव आपने महाराष्ट्र में महसूस किए, महाराष्ट्र के गांव में महसूस किए, या गुजरात के गांव में, राजस्थान के गांव में, या फिर हमारे बगल में बस्तर में, वो हुबहू मैंने यहाँ वो महसूस किया है। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं, दिक्कत यही है कि जो चीजें आजादी के पहले थी, आजादी के बाद भी उन लोगों के लिए जो जिसको कथित रूप से गरीबी एक रेखा खींची गई है कि गरीबी रेखा है, उस गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, या जिन्हों कहा जाए कि छठा वेतन आयोग और सातवां वेतन आयोग से जिनकी आय नहीं बढ़ी है, सचमुच में उनके लिए वो आजादी का क्या मायने है। मतलब कि एक फॉरेस्ट का गार्ड या एक रेवेन्यू का एक छोटा सा कर्मचारी या कोई भी एक पुलिस का चौकीदार ही कितना उनको आतंकित करता है। गांव में, सुदूर जंगलों में बसे हुए गांव में जो लोग हैं वो अद्भुत है। वो उनको संविधान की प्रस्तावना में कहां हम भारत के लोगों में कहां शामिल हैं, और कहां उस समता और सारी आजादी की बातें वो कही गई हैं, वो वहां तक अभी बात पहुंची नहीं है। वो एकदम आपने जो ये महसूस किया है जिन लोगों के संदर्भ में, आप ठीक कह रहे थे सुविनीत कौशिक जी, ठीक है कि 1952 में वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट खत्म हो गया, लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट एक था, तो उसका उपयोग पुलिस प्रशासन करने लगा। उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ा, उसकी गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले भी जिनको गिरफ्तार करके लाता था कोई भी अपराध होने पे, जिन चाहे आपके यहाँ पारदी हो या हमारे यहाँ सबर हो, या अलमा कबूतरी जो मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, वहाँ कबूतरा जनजाति के लोग हों, तो वो उसमें निरंतरता है। और लोग, पुलिस प्रशासन के लोग आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं कि आप नहीं समझते हैं, वो इनके जीन में है, ये डीएनए में है, ये तो क्रिमिनल ये होंगे ही, अपराध तो करेंगे ही, और समझाना बहुत कठिन है ऐसे लोगों को। और वो उनके पूर्वाग्रहों में वो इस ढंग से वो सब ह्यूमन का एक कंसेप्ट बैठा हुआ है, या ह्यूमन तो दिख रहे हैं लेकिन ह्यूमन है नहीं, वो एसेंस इंसान का है, वो इंसान एक्चुअली है नहीं, वो अपराधी ही है। ये जो एक अवधारणा बैठी हुई है, और स्टेट को अगर गांधी भी मानते थे कि हिंसा का सबसे बड़ा स्रोत है वो, तो वो दिखता है वहां पे। और वो कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल वायलेंस ही वायलेंस होता है, कि अगर वो स्ट्रक्चर का वायलेंस लगातार आपको डर के जीने के लिए विवश कर रहा हो तो वो तो वायलेंस है। वो आपकी इस किताब के पन्नों से गुजरते हुए फिर से वो थथराहट महसूस हो रही थी जो 10-15 साल पहले छूट गया। वो 15 साल पहले 88 से लेके मैं फील्ड में रहा 99 तक, तो वो जो चीजें नजदीक से देखने का उस समय मौका मिला था, वो चीजें फिर से दिखाई पड़ रही हैं 2021 की इस किताब में। तो बहुत बदला नहीं छिटपुट प्रयासों से, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है तो वही है। एजेंसियां एक आध कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ बदलाव की कोशिश की, ठीक है, उस समय उसने एडजस्ट कर लिया, फिर वो एजेंसी चली गई कोई
कलेक्टर चला गया, कोई वीडियो चला गया, फिर स्ट्रक्चर अपना उसी पुराने ढांचे में आ जाता है और वो शोषण की वो प्रक्रिया चलती रहती है। एक्चुअली जो विकास की जो एक जादुई शब्द या एक मैजिकल वर्ड हम लोगों ने या उसको कैसे चुन लिया है, वो जिस इंडेक्स को चुना है, अब वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने की ढंग से थोपा हम लोगों पे और हम लोगों ने उसको बिना किसी प्रतिकार के स्वीकार कर लिया और वो सब कोई विकास का बाप बने हुआ, हर कोई पप्पा बनने के लिए तैयार है उस विकास का, और उसको मालूम ही नहीं है कि ट्रूमैन ही इसके असली पप्पा थे, इस बताने में डर लग रहा है लोगों को। और वो जो आपने जो जहां पर्यटन स्थल है तो लोगों को सारी खूबसूरती वहां दिखती है, वो सूर्योदय भी दिखता है, सूर्यास्त भी दिखता है, वो झरने भी दिखते हैं, लेकिन आदिवासी नहीं दिखता है ना, आदिवासी को देखने की किसी को चेष्टा है कि हाँ आदिवासी भी देखे जाए। या आपने जो चिन्हांकित किया है कि भाई वन विभाग ने जो लिख दिया कि बाघ अगर है तो आपका पर्यावरण बहुत सुंदर है, तो ये बात क्यों लोगों के दिमाग में नहीं है कि आदिवासी जहाँ बसे हुए हैं वहां भी पर्यावरण सुंदर है। आपकी अंतर यही है कि इस ढंग की रिपोर्टिंग होती रही है स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग में जो साहित्य है या जो आपने हृदय से वो जो चीजें लिखी हैं, जो केवल एक रिपोर्टिंग आंकड़ों के साथ एक प्रतिवेदन जमा कर देना है जो काम किया गया है किसी आदिवासी इलाके में या किसी विस्थापन वाले में या कहीं किसी आंदोलन की एक रिपोर्टिंग कर दी गई है आंकड़ों के साथ, कुछ घटनाओं के साथ, एक तटस्थता के साथ, वो तटस्थता नहीं है यहाँ, आंकड़े नहीं है, वो निर्लिप्तता नहीं है, आप जुड़े हैं और जुड़कर आप हृदय से अपनी बात कह रहे हैं और वही बात कह रहे हैं जो वहां की सच्चाई है, किसी को अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही है वो आपके आपकी चिंता का विषय नहीं है। और आपने ये बरसों किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये तो मैं अपने यहाँ भी झारखंड में देखता रहता हूँ, ये हर का जो भी आदिवासी क्षेत्र में रहता है वो देखता है कि जो पूरा महकमा है सरकारी महकमा वो पर्यटन के लिए, और वो पर्यटन के भी अलग अलग रूप बहुत सारे, इको टूरिज्म, तो माइनिंग भी टूरिज्म के तौर, बंद माइनिंग में भी टूरिज्म, और आदिवासी गांव में भी अब सजा उजा के झूठ मूठ के बना बना के वहां भी ठहराने की कोशिश है, तो वो टूरिज्म के नाम पे सब कुछ चलेगा, लेकिन सचमुच में वो वहां की आदिवासी की हालत क्या इसे सुधर रही है? आपने जो सवाल उठाया है जमीन का, ये तो इतना बाजू सवाल है कि शहर में बैठे हुए लोगों को ये अवधारणा ही नहीं है कि हर कोई जो रह रहा है गांव में सबके पास पर्याप्त भूमि नहीं है कि वो साल भर अपने पेट भरने के लिए अनाज उगा सके। ये आपने जो रेखांकित किया है बार बार, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि सचमुच में हमारे यहाँ भी झारखंड में भी और बगल में छत्तीसगढ़ में भी एक गांव अगर हम मान लें कि 100 परिवार का है तो मुश्किल से 30 से 40 ही ऐसे होंगे जिनके साल भर अनाज जिनके यहाँ धान हो जाता है, बाकी 70 परिवार में वह बांट सकते हैं कि नहीं, क्या 6 महीने का, कहीं 8 महीने का, कहीं 9 महीने, और वो फिर वो मजदूरी बेचने के, अपने श्रम बेचने के लिए विवश है। और श्रम बेचने की व्यवस्था का आपने जो ढंग से जिक्र किया है वो गन्ना के खेतों में, वो सिहरा देने वाला है। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं पूर्वी भारत में, उनके उनके नजर में पश्चिम भारत का इतना चमकती हुई तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत की जाती है, और खास करके महाराष्ट्र गुजरात की जो तस्वीरें हैं, और महाराष्ट्र के कृषि विकास का और कृषि के कोऑपरेटिव्स का, दूध की कोऑपरेटिव्स और चीनी सुगर गन्ना उत्पादकों की कोऑपरेटिव, वहां से चीनी मिल का निर्माण, चीनी मिल की राजनीति से फिर वो शरद पवार जैसे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लायक हुए, तो ये जो एक चमकती हुई तस्वीर है, उस चमकती हुई तस्वीर के अंदर की जो उसके वो दिए के नीचे का जो अंधेरा है कि जो भूमिहीन किसान है या जिनके पास बहुत ही कम जमीनें हैं वो कैसे बिचौलियों के शिकार होते हैं, और 8-9 महीना कैसे वहां उस अस्थायी निवास में बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ जो खतरे हैं, उनकी पढ़ाई के साथ जो खतरे हैं, उसका जो विवरण आपने जमीन पे जाके किया है, ये तो इस तथ्य से तो हम परिचित नहीं थे, मैंने इस सच्चाई से एकदम परिचित नहीं थे। मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ कि महाराष्ट्र की ये तस्वीर हमारे सामने एकदम नहीं थी कि ये भी वहां की तस्वीरें हैं कि लोग अपना श्रम बेच रहे हैं इतने सस्ते में, और बच्चों का भविष्य भी बेच रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि केवल एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है, दिक्कत ये है कि उसके साथ साथ 8 महीने 9 महीने जो अस्थाई गांव में वो भी वो प्लास्टिक की और फटे कपड़ों की जो झोपड़ियां हैं
उसके लिए भी कोई व्यवस्थित, ये जो आपने, ये बहुत नई चीज हम लोगों के लिए वो थी, वो ये हम लोगों से परिचित, इन तथ्यों से हम परिचित एकदम नहीं थे। और वो जो आपने जो चाहे वो मदारी हों या चाहे वो कारकुजन जाति के लोग हों या फिर और घुमंतू जातियों की चर्चा आपने जो की है और इनकी जो स्थिति है, हालांकि कुछ सकारात्मक तस्वीरें जो तिरमली लोगों की, जो इन लोगों ने जो लड़ाई लड़के और वो तात्या जैसे मित्रों ने और दलितों के संगठनों ने जिस ढंग से मदद की और उन्होंने जिस ढंग से वो बंजर जमीन को वहां से कंकड़ पत्थर चुन के उसको कृषि योग्य बनाया और जब वहां वो बाजरा उगने लगा तो किस ढंग से दबंग और वो कृषक जाति के लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो ये तो अब क्या ही संभव था कि दलित संगठनों ने और मित्रों ने उनको, तात्या जैसे मित्रों ने उनके साथ वो लड़ाई लड़ी और वो जीत हासिल की, ये हमारे यहाँ संभव नहीं है। महाभोज अगर आपको याद है मन्नू भंडारी की वो महान रचना, तो वही है, वही दलितों का अपने हक की तलाश में थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करने पे किस ढंग से कुचल देते हैं लोग और कृषक जाति के लोग। आनंद तिल तमुड़े जब खैरलांजी पर लिखते हैं तो वो आंकड़े देते हैं कि ये जो 70 के बाद जो ये जो कृषि की जो क्रांति जो आई है, हरित क्रांति, उसने जो ताकत पहुंचाई मध्य वर्गीय जातियों को, जो कल तक कृषक जातियां दलितों के साथ खेतों में काम कर रही थी, एकाएक जो मालिक बन गए और उनकी आक्रामकता बढ़ी है, तो 80% जो घटनाएं घटती है इस ढंग की हिंसा की, इन मध्यवर्ती जातियों के द्वारा ही घटती है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये अध्याय है इस भारतीय समाज का कि कैसे समाधान, अभय जी इस पर लिखते रहे हैं और हम लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है और आनंद तिल तुमड़े ने काफी लिखा है इस पे। ठीक है कि सरकार को उनकी लिखनी पसंद नहीं थी तो बहाने करके उनको उन्होंने बंद कर दिया है, तो ये तो खतरे हैं, ये खतरे उठाने पड़ेंगे और ये खतरे आप उठा रहे हैं। और उसी ढंग से जब सैयद मदारी की बात, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो सफलता की कहानी, उस तिरमली वो जो घुमंतू जातियों की वो गांव बसता है पहली बार, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, नौकरी में जाते हैं, ये जो सफलता की कहानी है, ये बहुत ही बड़ी बात आपने इस रचना के माध्यम से की है। उसी ढंग से सैयद मदारी ही वहां स्टंट करते हैं, बॉलीवुड में सारे स्टंट, चाहे वो 60-70 के स्टंट हो या आज शाहरुख और सलमान खान के स्टंट हो, यही सैयद मदारी परिवार के लड़के युवा ही जाकर वहां वो स्टंट करते रहे हैं और उतने ही में संतोष है कि वो उनके साथ सुपरस्टार ने फोटो खिंचवा लिया है इसी में उनको संतोष है और वो बड़े गर्व से अपना एल्बम दिखा रहे हैं। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसी महिला भी है जो तात्या जैसे या अपने संगठन के मित्रों के साथ जो फोटो खींचा गया है, जो उनकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं उस पर वो गर्व कर रही है। यहाँ वो चमक, यहाँ ये कौन छुपी हुई है जिसे आपने रेखांकित किया है सिरीज जी, इसके लिए जो भी आपको धन्यवाद दिया जाए वो कम है। जो आपने छत्तीसगढ़ की बात कही या नर्मदा की बात कही या जो बॉक्साइट की बात और जंगल के काटने की बात और जो नैसर्गिक जंगलों को खत्म करके औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार जंगलों की पेड़ों की लगाए जाने और सारी किताबें, वो चाहे वो वैज्ञानिक बोटनिस्ट कह रहे हो, वनस्पति शास्त्री कह रहे हो या वंदना शिवा जैसे लोग कह रही हो कि जो नैसर्गिक जंगल है उनके पेड़ों के बीच में जो कम्युनिकेशन है जिसको हम वुड वाइड वेब कहते हैं, वो अलग से नर्सरी लगा के पेड़ों के बीच में वो नैसर्गिक जंगल वाली खूबसूरती या वो बात, वो कम्युनिकेशन उनके आसपास, उनके बीच के कम्युनिकेशन, पेड़ों को आप अगर आप निर्जीव मान के चल रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप मान के चल रहे हैं कि वहां भी जीवन है और के बीच में भी कम्युनिकेशन है और बार बार इस पे तो वैज्ञानिक बात कह रहे हैं लेकिन वन विभाग को बात समझ में नहीं आ रही है और वो जो इंडस्ट्री को जरूर माने वो केवल पूरी दुनिया का, ये दुनिया की तस्वीर है क्योंकि ये जो विकास का जो सिक्का है, ये विकास का जो कैंसर के जो कोशिका है वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगी हुई है। और अमेजन के जंगलों में आग लगाया जाए या अफ्रीका के जंगलों में पाम ऑयल के पेड़ लगाए जाए नेचुरल फॉरेस्ट को काट के, या हमारे यहाँ अकासिया और इकोलिप्टस लगाए जाए कि जल्दी लग जाते हैं और वो जंगली जानवर, सॉरी जानवर नहीं खाते हैं, तो ये जो है चीजें,
आपने और जो जो बात कही सुमित कौशिक जी ने, आनंद पटवर्धन ने और कई मित्रों ने, हमारे यहाँ मेघनाथ जी ने, बिजू टोपो ने, कई चीजें आ रही हैं, लेकिन जिस ढंग से एक पुस्तक में आपने 12 ढंग से अलग अलग परिवेश, राजस्थान भी, गुजरात भी, छत्तीसगढ़ भी, अमरकंटक भी, महाराष्ट्र भी, और वो केवल जनजाति नहीं बल्कि वो लघु सीमांत किसान भी, ये जो आपने हासिये के समुदाय को एक जगह पर सारी तस्वीरों को रखने की कोशिश की है, ताकि ये जो सो कॉल्ड इंडिया है या जो जो भारत है जिसको गर्व है, जिन्हें इस राष्ट्र पे गर्व है, उनकी आंखों में उंगली चुभा के बताया जाए कि आपके राष्ट्र के हिस्सा यही है। और वो जो हम लोग ने देखा मार्च 2020 में कि ये जो जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वो किस ढंग से दिल्ली और सारे महानगरों में जिस ढंग से आके अपना अपनी मेहनत देता है, जो मैं ग्लोबल गांव के देवता में कहता हूँ कि अदृश्य है उनका चेहरा, जो दिखता ही नहीं लोगों को, और हमारे राष्ट्राध्यक्ष को भी नहीं दिखता है, 4 घंटा का समय देते हैं लौटने के लिए, और वो लोग सड़कों पे जब जा रहे हैं लंबी लाइन लगा के तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ये जो अदृश्य हैं जिनको ये लोकतंत्र देख ही नहीं पा रहा है, उन अदृश्य लोगों की आवाज, उनकी अनसुनी आवाज आपने बनने की कोशिश की है सिरिस जी, इसके लिए मैं हृदय से आभार देना चाहूंगा। जिनको जो हमारे अनुज लुगुन कह रहे हैं अपनी कविता में, कल एक पहाड़ को ट्रक पर जाते हुए देखा था, उससे पहले नदी गई थी, अब खबर फैल रही है कि मेरा गांव भी यहाँ से जाने वाला है, और शहर के दोस्त को कहते हैं कि इनका वहां ध्यान रखना कि इनकी आंखों में हमने पानी देखा था। तो ये पूरा उठ के जो जंगल और पहाड़ ट्रकों पे लद के जा रहा है शहर की ओर, और शहर तो शुरू से ही एक्सक्लूजन की बात करता रहा है, वो शुरू से खतरा समझता रहा है गांव से आने वाले श्रमिकों को, वो चार्ल्स डिकेंस का टेल्स ऑफ टू सिटीज हो, या फिर अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि अपने ही आया को, अपने ही मेड को, अपने ही ड्राइवर को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया, 15 दिन 20 दिन महीने के लिए खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था नहीं की, उनको विवश कर दिया लौट के जाने के लिए। तो ये शहर जो है, जो जो राष्ट्र होने पे गर्व कर रहा है, जो वो संविधान के को सुरक्षित रखने का गर्व कर रहा है, वो बृहद जो भारत है, जो 130 करोड़ का भारत है, हिंदुस्तान है, जो आप जो हासिये की बात नहीं, एक्चुअली वही भारत है। वो हासिया जो है बहुत वो उसकी परिधि बहुत बढ़ती जा रही है, जब वो थॉमस पिकेटी कहते हैं कि सारे रिसोर्सेज इस विकास के कारण कुछ हाथों में हमारे, उनके यहाँ 1% लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ 10 परिवारों में सिमट रहा है। तो हासिया किस ढंग से फैल रहा है वो भी समझने की आवश्यकता, और आपने इस पे संकेत किया है। तो ये जो आप जो काम पी सायनाथ कर रहे थे, जो काम महाश्वेता देवी कर रही थी, जो काम मैत्री पुष्पा ने अलवा कबूतरी में किया है, जो काम संजीव ने जहां से जंगल शुरू होता है उसमें किया है, जो काम विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविताओं में करते हैं, वो काम आपने एक रिपोर्टर के हैसियत से की, ये आपको मैं जोहार बोलता हूँ और सशक्त नमन करता हूँ। इन्हीं के साथ में अपनी बात करना चाहता हूँ। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत ही सारगर्भित, विस्तृत और विश्लेषणात्मक वक्तव्य आपने दिया, और शुभनीत के वक्तव्य से मैंने कुछ सीखा था, और आपके वक्तव्य से मैंने और भी ज्यादा सीखा। और इस वक्तव्य में जो बात मैं यहाँ रेखांकित करूंगा वो ये है कि आपने बताया कि पत्रकारिता के साथ जब साहित्य जुड़ता है तो उससे कुछ कुछ रिपोर्टर जैसी एक विधा निकलती है, या उसमें उसकी एक संभावना उसके अंदर रहती है। हम जानते, मैं भी पत्रकार रहा हूं बहुत दिन तक, पत्रकारिता मुख्य तौर पर एक प्रत्यक्षवादी अनुशासन है, एक पॉजिटिविस्ट अनुशासन है, उससे पत्रकारों से उम्मीद की जाती है कि वो जो जैसा है आंकड़ों की शक्ल में या घटनाओं की शक्ल में उसको पूरी निष्ठा के साथ में पेश करेंगे, और उसके लिए जो खतरे उठाने होंगे वो खतरे भी उठाएंगे, इस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा आग्रह कितना भी प्रशंसनीय क्यों ना हो, ये पत्रकारिता को एक प्रत्यक्षवादी अनुशासन बना देता है। लेकिन साहित्य जो है इस पॉजिटिविस्ट डिसिप्लिन से परे जाने के लिए अनुभूति और शिल्प का इस्तेमाल करता है, भाषा अनुभूति और शिल्प का इस्तेमाल करता है, और इस पॉजिटिविस्ट डिसिप्लिन से परे चला जाता है साहित्य। तो इसी जगह पर रिपोर्टाज एक ऐसी विधा के रूप में उभरता है जहां पर पत्रकारिता और साहित्य एक दूसरे से मिल सकते हैं अगर चाहें तो। जाहिर है रिपोर्टाज लिखने वाला है उसके हृदय का मर्म क्या है,
उसके हृदय में कितनी करुणा है, और वो जो दृश्य उसके सामने है उसको केवल कैमरे की निगाह से देख रहा है दृश्य को, या वो उसे एक चित्रकार की निगाह से देख रहा है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रिपोर्टाज कौन लिख रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास शिरीष खरे जैसे रिपोर्टाज लेखक हैं, जब वो लिखते हैं तो उसमें से वैसी ध्वनियां निकलती हैं जो कि पत्रकारिता को उसके प्रत्यक्षवादी अनुशासन से परे जाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं इस बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और बहुत सारगर्भित बातें कही गई हैं। श्री जी की पूरी पुस्तक मैंने एक सांस में पढ़ डाली, उसमें बहुत सारी बातों को मैंने रेखांकित किया, बहुत सारी टिप्पणियां हाशिए में लिखी, बहुत सारी बातें अपनी नोटबुक में लिखी। इसमें इसके दो अध्याय, एक अध्याय जो कमाठीपुरा वाला अध्याय है और दूसरा अध्याय जो दंडकारण्य वाला अध्याय है, उसकी पर मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया क्योंकि ये मेरे जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो है मेरी शोध का जो दायरा है उसका अंग रहा है। आप जानते हैं कि मैंने अपने बौद्धिक जीवन में पुस्तकें लिखने की शुरुआत, अनुसंधान की शुरुआत नक्सलवादी आंदोलन के इतिहास से की थी, क्रांतिकारी संघर्ष, नक्सलवादी आंदोलन के बदलते चेहरे का अध्ययन। आज भी इतनी किताबें लिखने के बावजूद आज भी बहुत से लोग मुझे उस किताब के लेखक के तौर पर ही जानते हैं। तो दंडकारण्य के वाली दंडकारण्य वाला पूरा प्रकरण मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, और मैं यहाँ पर कुछ नक्सलवादी आंदोलन के बारे में कुछ कहने की बजाय एक श्री जी का लिखा हुआ, एक श्री जी के लिखे हुए एक पहरे के को पढ़ के आपके सामने पहरे को आपके सामने पेश करूंगा। उससे पता लगेगा कि मेरे जैसा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़कर क्या सीख रहा है और ये पुस्तक किस तरीके से मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी एक आईना बन जाती है जिसमें मैं बहुत से ऐसे अक्स देख सकता हूं जो कि मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। जैसे इसी सोच के साथ मैंने यात्रा और ठिकानों के एक समानांतर संसार में विशेषकर यात्राओं के दौरान डायरी लिखने की सोची। इसके लिए कई बार कोशिश की जो हर बार अधूरी रही। पिछले दिनों इन्हीं डायरियों को ढूंढने पर सिर्फ एक डायरी हाथ लगी और जो लगी उसमें लिखे अपने ही विचार बासी पड़े थे। मैं फिर से इस लाइन को लिखूंगा, पिछले दिनों इन्हीं डायरियों को ढूंढने पर सिर्फ एक डायरी हाथ लगी और जो लगी उसमें लिखे अपने ही विचार बासी पड़े थे। किन मोड़ों पर ये विचार बासी पड़े यह तो नहीं मालूम, लेकिन इन्हें पढ़ते हुए लगा कि नए सिरे से सब लिखने बैठूं। तो विचार बासी पड़ जाते हैं। मुझे ये पढ़ने के बाद लगा कि ये बात मैं पहले से जानता हूं, लेकिन इसका एहसास कि मैं इसे जानता हूं ये पढ़ने के बाद ही हुआ। मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूं पिछले कम से कम 7 साल से। 7 साल से मैं सोच रहा हूं कि मेरे कौन, बहुत सारे विचारों की मैंने सूची बना रखी है। अब मुझे लगता है कि इन विचारों की जो सूची बना रखी थी उन विचारों को मैं अपना मानता था, मानता था कि ये विचार मैंने ही पैदा किए हैं, मेरे ही बौद्धिक संघर्ष और बौद्धिक विश्लेषण और संश्लेषण के जरिए उन विचारों का जन्म हुआ है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि वो विचार दरअसल मेरे ही बासी विचार हैं। मसलन मैं आधुनिकता का पुजारी रहा हूं और आधुनिकता की पूजा बहुत से लोग तरह तरह से करते हैं। कुछ लोग बाजार के जरिए आधुनिकता की पूजा करते हैं, कुछ लोग सौंदर्य शास्त्र के जरिए आधुनिकता की पूजा करते हैं। मैंने मार्क्सवाद के जरिए और जो क्रांति का विचार है उसके जरिए आधुनिकता की पूजा करने की कोशिश की, और हमेशा ही मेरा तर्क रहा है कि आधुनिकता को और आधुनिक राज्य को, आधुनिक अर्थव्यवस्था, आधुनिक समाज, ये सब चीजें ठीक से लागू नहीं की जा रही। अगर आधुनिक विकास को ठीक से ईमानदारी के साथ, जायज तरीके से, निष्ठापूर्वक और मैं इन्वर्टेड कॉमा में कहूंगा जनोन्मुख तरीके से लागू कर दिया जाए अगर आधुनिक विकास को, तो शायद चीजें सुधर जाएंगी। फिर श्री जी को ये रिपोर्टाज लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर नक्सलवादियों को अपना आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज मैं सोचता हूं कि मेरा ये विचार कितना बासी पड़ चुका, और मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, आप सब लोगों के सामने भी उस सवाल को रखता हूं और अपने दूसरे साथियों से भी सवाल पूछता रहता हूं कि ऐसा कोई वाकया बताइए, ऐसा कोई समय बताइए जबकि आधुनिक राज्य, आधुनिक विकास, आधुनिक अर्थव्यवस्था और आधुनिकता के विमर्श ने मिलकर एक समता मूलक समाज की रचना की है। वो जगह भौगोलिक रूप से यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, लातिनी अमेरिका हो, कोई भी हो, मैं फिर से कह रहा हूं आधुनिक विमर्श
आधुनिक राज्य, आधुनिक अर्थव्यवस्था और आधुनिक विकास, इन चार घटकों ने मिलकर इतिहास के किस कालखंड में और कहां किन परिस्थितियों में एक समतामूलक और शोषणविहीन समाज की रचना की है। और ये मेरा प्रश्न केवल इसी सदी के लिए नहीं है, ये मेरा प्रश्न पिछले 500 सालों के लिए है, जबकि उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी 500 साल पहले, जब कोलंबस अपना जहाज लेकर रवाना हुआ था नई दुनिया की खोज के लिए, या वास्को डी गामा अपने जहाजों को लेकर भारत की खोज के लिए रवाना हुआ था। अच्छा, अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, और जो श्रीश जी से जो बस्तर वाला दंडकारण्य वाला अध्याय है, उस अध्याय की शुरुआत कहीं ना कहीं इस शिकायत से होती है कि इस इलाके में विकास के पांव नहीं पड़े, और जैसे जैसे वह अध्याय आगे बढ़ता है तो दिखाई पड़ता है कि विकास ही लोगों को रौंद रहा है। तो जिसके पांव न पड़ने की शिकायत श्री जी कर रहे हैं, एक तरफ तो ये शिकायत हो गई कि विकास के पांव नहीं पड़े, इसकी मतलब आकांक्षा है कि विकास आना चाहिए, शिकायत है दर्ज हो गई, फिर वही विकास लोगों को, लोगों की जमीन को, उनकी संस्कृतियों को, उनके जीवन को, सभी को रौंदता हुआ दिखता है। तो ये जो भीषण और भयावह विरोधाभास है विकास का, इसकी बुनियाद कहां पर है? जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे तब तक मेरे जैसे व्यक्तियों के विचार बासी पड़ते रहेंगे, क्योंकि समस्या तो यह है कि जिस चीज की हम लोग आराधना करते हैं, आधुनिक विमर्श की हम लोगों की ट्रेनिंग इस तरह की है, हम लोगों की बौद्धिक ट्रेनिंग इस तरह की है कि हम लोग आधुनिक, चाहे हम साहित्य के जरिए करें, हम मार्क्सवाद के जरिए कहें, हम राजनीतिक सक्रियता के जरिए कहें, हम किसी रेडिकलिज्म के जरिए करें, बाजारवाद के जरिए करें, या सत्ता की आराधना के जरिए करें, चुनाव लड़कर करें, हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में सच्ची आधुनिकता की खोज में हैं, हम लोग किसी न किसी रूप में सच्ची आधुनिकता के पुजारी हैं, वही हमारी इष्टदेवी है। तो वो जो उस इष्टदेवी का जन्म यूरोप में हुआ था, हम जानते हैं उस इष्टदेवी का जन्म यूरोपियन इलाइटनमेंट, यूरोपीय ज्ञानोदय, और उससे पहले यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान हुआ। सवाल यह है कि जब आधुनिकता की इष्टदेवी वहां पर गढ़ी जा रही थी और उपनिवेशवाद के जरिए हम लोगों को थमाई जा रही थी, उस वक्त ऐसा क्या घटित हो रहा था जिसके कारण आधुनिकता की उस देवी के अलावा विचार के जो भी पक्ष थे, समाज रचना के जो भी पक्ष थे और जो भी संरचनाएं थी, वो सब धीरे धीरे कर हमारे हाथ से निकलती जा रही थी। हम उन तमाम चीजों से गाफिल होते जा रहे थे। यही कारण है आज श्रीश जी जब इस बात को उठाते हैं कि हमें सब पता है कि वहां पर अत्याचार हो रहा है, हमें सब पता है कि वहां जमीन हड़पी जा रही है, हमें सब पता है कि वहां पर मजदूरों की हकतल्फी हो रही है, हमें सब बातें पता है, लेकिन इसके बावजूद हम उनको होने देते हैं, हम उससे गाफिल बने रहते हैं, और इसी तरीके से दुनिया लगातार हमारे इर्द गिर्द चलती रहती है। विकास जब नहीं आता तो हम कहते हैं कि विकास के पांव नहीं पड़े, और जब विकास आ जाता है तो फिर हमें उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है कि वो तो हमारे जीवन को कुछ नहीं डाल रहा है, हम जो थे वो हमें नहीं रहने दे रहा है, हमें कुछ और बनाए दे रहा है। तो इस ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपने सबसे भीषण रूप में इन रिपोर्टाजों में पाया जा सकता है। मैंने तो कम से कम ये जाना है इसको पढ़कर कि आखिरकार मेरे वे विचार जो कि आधुनिकता की पूजा करते हुए परवान चढ़े थे, वो क्यों बासी हो गए। अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा और चाहूंगा कि अगर हमारे श्रोतागण कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल पूछें, और अगर श्रोतागण सवाल न पूछना चाहें तो हम लोग भी आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं और थोड़ी देर के लिए इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं। एक सवाल आया है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में। हाँ, ऐश्वर्य कुमार लिख रहे हैं, उपेक्षितों के संघर्ष अथवा शोषण की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली भाषा और स्वरों की अभिव्यक्ति शासक वर्ग पर दबाव की भाषा निर्मित करने में किन प्रक्रियाओं से गुजरती है? इस धरातल पर भाषा की अभिव्यक्ति किन चुनौतियों का सबब बनता या बनाता है?
मैं फिर से सवाल को पढ़ता हूं, जरा जटिल प्रश्न है। ऐश्वर्य जी कह रहे हैं, उपेक्षितों के संघर्ष अथवा शोषण की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली भाषा और स्वरों की अभिव्यक्ति शासक वर्ग पर दबाव की भाषा निर्मित करने में किन प्रक्रियाओं से गुजरती है? इस धरातल पर भाषा की अभिव्यक्ति किन चुनौतियों का सबब बनती है या बनाती है? अब जो भी साथी इस प्रश्न के बाद के ऊपर कुछ कहना चाहे तो वो कहे। शिरीष जी, शुभनीत जी, रणेंद्र जी और निशिकांत जी, अगर आप इस सवाल के ऊपर, ऐश्वर्य के सवाल के ऊपर, आप जानते हैं ऐश्वर्य कुमार कौन है? ऐश्वर्य कुमार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। आप इस सवाल के ऊपर कुछ कहना चाहें तो आप लोगों को सबका स्वागत है। जी निशिकांत जी कुछ कहिए। मैं तो सर इसका प्रतिभागी नहीं हूँ, अगर वक्तागण और लेखक या आप कुछ कहें तो वो ज्यादा उचित हो गए। आप ही कोई आवश्यक नहीं है कि आप तकनीकी रूप से इसके प्रतिभागी बने तभी आप कुछ बोले हैं, मतलब आप स्वयं में एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं, आपने इतनी उम्दा किताब लिखी है गांधी और जाति के संबंधों के ऊपर, और मैं तो आपसे लंबी लंबी चर्चाएं कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ आपकी बौद्धिक क्षमताओं को, तो आप कहिए इस पे कुछ। नहीं नहीं मैं समझ आता हूँ अभय जी, मुझे आप ही कुछ बोल दे दीजिए। देखिए ऐश्वर्य जी ने बहुत ये जटिल सवाल पूछा है, उपेक्षितों के संघर्ष अथवा शोषण की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली भाषा और स्वरों की अभिव्यक्ति शासक वर्ग की पर दबाव की भाषा निर्मित करने में किन प्रक्रियाओं से गुजरती है? इस धरातल पर भाषा की अभिव्यक्ति किन चुनौतियों का सबब बनती है या बनाती है? मेरे ख्याल से अगर हम लोग इस प्रश्न के ऊपर अभी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इसे आरक्षित कर लेना चाहिए इस प्रश्न को, और इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, और इसके ऊपर हम लोग किस प्रकार से व्याख्या कर, इसका भाष्य किस प्रकार कर सकते हैं। श्री जी आप इस बात पे जरा कुछ बोलिए कि ये जो दंडकारण्य के ऊपर जो आपका अध्याय है, इस अध्याय में आप एक जगह अफसोस करते हैं कि विकास के कदम यहाँ पर नहीं पड़े हैं, और फिर उसके बाद में आप ही दिखाते हैं कि किस तरीके से विकास जो है वो विकास अपने अमानवीय चेहरे के साथ सामने आता है। तो ये जो विरोधाभास है, मतलब जो है इसको लिखते समय क्या आपको लगा था कि ये आप दरअसल एक विरोधाभास का निर्माण कर रहे हैं? सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं गांव का तो हूँ लेकिन एक मध्यम वर्ग सवर्ण परिवार से हूँ, तो कई तरह की मेरी धारणाएं हैं, और इसीलिए मैंने रिपोर्टिंग में अपने आप को भी रखा कि मेरे द्वंद अंतर्द्वंद क्या चल रहा है और मैं किस तरह से उसमें बदल रहा हूँ। और जब मैंने बस्तर में ये रिपोर्ट करी तो ये था कि अगर मान के चलो कोई न्यूयॉर्क का रिपोर्टर आता तो वो बस्तर को किस तरह से देखता और मैं किस तरह से देख रहा हूँ। और जब मैंने वहां के रिपोर्टर से बात करी तो उसके लिए वो खबर खबरें नहीं थी, विकास की जो खबरें थी वो खबर नहीं थी, मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी कि अगर खटिया को उल्टा लिटा के और अस्पतालों में लाइन लगी हुई है मरीजों को लाने की, कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर से ला रहा था, तो मुझे लग रहा था दृश्य तो ये है, खबर तो ये है, लेकिन वो कह रहे थे कि ये तो कोई खबर नहीं है। तो दृष्टि वही होती है विकास को लेकर के, दृष्टि वही होती है। और यहाँ मुझे लगा कि नहीं, मैं जिस गांव से हूँ उस गांव से ये 100 साल पीछे चल रहा है गांव, और अभी भी मेरे गांव जो है वो काफी उस तरह से डेवलप है और वहाँ अस्पताल वगैरह है, मैदानी गांव है। ये जो बात है कि आदमी देख किस तरह से रहा है उस तरह से बस्तर को, और ये सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता था कि भाई जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो विकास कहाँ से होगा, लेकिन मेरा ये कहना था कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है वहां भी लूट ही चल रही है, लड़ाई नहीं चल रही है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि कई आदिवासी इलाकों में सड़कें बहुत अच्छी बना देती है, उस सड़कों को पैमाना मार देते हैं कि विकास का पैमाना, लेकिन उससे आदिवासी को कोई लेना देना, आदिवासी को लेना देना उसकी शिक्षा का, उसका स्वास्थ्य का,
लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जंगल को काट रहे हो, जंगल को काट रहे हो तो वो क्या है, जंगल से उनका जीवन चल रहा है, यानी उनके जीवन को आप काट रहे हो। और जब आप उनके जीवन को काटते हो तो वहां बेकारी आती है, और बेकारी के बाद फिर वो आती है गरीबी आती है, गरीबी के बाद कुपोषण आती है, कुपोषण के बाद भुखमरी आती है, ये पूरा के पूरा एक चक्र है। लेकिन विकास का जो पैमाना है उन्होंने सड़क से उसको नापा है, विकास के पैमाने। और आधुनिक विकास में भी अगर हम कहें कि भाई ये शिक्षा मिलना चाहिए उस जगह पे, यूनिवर्सिटीज होना चाहिए उस जगह पे, तो वैसा कुछ नहीं। वो उनका विकास का मतलब है लूट खसोट। विकास का मतलब ये है कि आज हम देख रहे हैं कि पहले तो हम बात कहते थे कि भारत और इंडिया ये दो प्रतीक चलते, अब तो मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क और सिमोलिका मतलब अफ्रीका का कोई देश, इतना एक डिस्टेंस आ गया है। और ये सब जो हुआ है ये विकास के विरोधाभास की चलती हुआ है कि उनका जो अप्रोच है विकास को लेकर वो इस तरह से है। और फाइनली उनको मतलब नहीं, उनको तो विकास की आड़ है, क्योंकि वो विनाश है, क्योंकि वो विकास जो है वो रणनीतिक स्तर पर एक शब्द है। वो ये तो कह नहीं सकते कि हम विनाश कर रहे हैं, ये तो नहीं कह नहीं सकते कि हम सुधार कर रहे हैं, वो तो बाजार है पीछे से, उसका नाम लिया उन्होंने सुधार। तो ये एक रणनीतिक स्तर पर मुझे बस्तर और बस्तर के बाकी इलाकों में उस तरह से लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक चैट बॉक्स में आपकी पुस्तक के ऊपर एक श्रोता ने टिप्पणी दी है, वो टिप्पणी मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। राजेश जसवाल हैं जिनकी टिप्पणी है, यह पुस्तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हम जैसे लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। हिंदुस्तान के अंदर बसते इस एक और उपेक्षित हिंदुस्तान की चिंता किसी भी राजनेता की प्राथमिकता में नहीं आती, यह एक विडंबना है। इस महाअपेक्षित स्थिति को इस पुस्तक ने बहुत अच्छी तरह महाउपेक्षित स्थिति को इस पुस्तक ने बहुत अच्छी तरह उकेरा है। ऐसी पुस्तक को लिखने व उस समाज व स्थिति को अपने मानवीय अंदाज में पेश करने के लिए हृदय से धन्यवाद। शीरीष खरे जी, अब मुझे लगता है कि कुछ और प्रश्न ऐसे नहीं है जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकें, तो मैं सब साथियों को धन्यवाद देते हुए इस सुंदर चर्चा में सारगर्भित चर्चा के लिए, और मैं निशिकांत जी से कहूंगा कि वे इस कार्यक्रम का समापन करें। निशिकांत जी धन्यवाद। अभय जी सबसे पहले शिरीष खरे जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये बहुत ही शानदार किताब लिखने के लिए भी और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए भी। जब मैंने शिरीष जी से बात करी थी और मैंने कहा था कि मैं अभय जी से निवेदन करूंगा कि वो इस चर्चा की अध्यक्षता करें, तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा आप जरूर कोशिश कीजिए। और मैं अभय जी का भी, मुझे थोड़ा लग रहा था क्योंकि यूपी में चुनाव चल रहे हैं, अभय जी बहुत बिजी होंगे, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे एक फोन करने पर अभय जी तैयार हो गए। तो अभय जी का मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए और इस परिचर्चा की अध्यक्षता करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रणेंदु जी और शुभनीत जी भी, प्रणेंदु की अपने प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं, इतने बिजी बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी इस तरह के कार्यों के लिए उन्होंने समय निकाला, इसीलिए मैं रणेंद्र जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुभनीत जी की अपनी जो चुनाव की ड्यूटियां चल रही है वो मेरे ख्याल से अभी अभी खत्म हुई है, उनकी भी अपनी अलग अलग व्यस्तता थी, उस व्यवस्था के कारण से भी उन्होंने अपने लिए समय निकाला और इस परिचर्चा में भाग लिया। मैं उसीलिए शुभनीत कौशिक जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारे CSDS से प्रवीण जी का, जो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने कार्य करा, लोगों को मेल लिखना, जो बनाना बाकी सारा काम किया, और उसके अलावा अयोध्या जी का जिन्होंने हमें सबको तकनीकी सहयोग प्रदान किया, और साथ में हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर सरन जी का जिन्होंने हमें गाइडेंस दिया और इस परिचर्चा को आयोजित करने के लिए रिक्वायर्ड अनुमति दी, और हमारे सारे श्रोतागण, उन सबका गंभीरता से इस परिचर्चा में भाग लेना और प्रश्न भेजना, और इन सब के लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं अभय जी की परमिशन से इस कार्यक्रम को खत्म समाप्त करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक धन्यवाद।